भाई रोड तोड़ दिए, ये अब ये लाइन बिछाई पानी की, ये भाई पिछले 3-4 साल से पानी की लाइन दबने लग रही है गाँव में, ये इनकी रिपेयर नहीं हुई, अब देखो भैया कब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ जो ये हालत है ये कब से बने हुए हैं? अरे तो भाई महीना सारा हो गया, महीना हो गया, साफ सफाई के लिए कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। देखिए अगर हम कमान ले लेकर एमसीडी की तो वारे न्यारे कर देंगे, या तो विधायक भी आम आदमी पार्टी के बैठे हैं, पार्षद भी आम आदमी पार्टी के बैठे हैं, अब तो फंड वंड की भी वो बानेबाजी नहीं है, फिर भी लग रहा है कि ये कोई काम नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं है जी यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, डिस्पेंसरी है वो पहले की, ऑलरेडी पहले की है, किसी ने कुछ नहीं किया। तो कोई है एमसीडी में आपके लिए? कुछ भी नहीं है यहाँ, तो कोई सफाई वाला भी ना आता, अगर कोई नालिया का कूड़ा सड़ा लग रहा है ना, पानी की ना क्या है कि भी कोई ना, तो कचरे की गाड़ी नहीं आ रही है? नहीं कोई नहीं आ रही। नमस्कार, मैं यशपाल, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली निगम चुनाव का डंका एक बार फिर बज चुका है, अप्रैल माह में निगम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नेताओं की, पार्षदों की और विधायकों की जो पोस्टरबाजी और होर्डिंगबाजी है वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो गई है। अब दिल्ली के हर इलाके में, हर रोड लाइट के यहाँ, हर दीवार पर आपको पोस्टर दिखेंगे, इतनी सक्रियता वादों को लेकर के, जो 2017 में पार्षदों ने जो वादे किए थे उनके प्रचार को लेकर भी पोस्टरबाजी लगातार जारी है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि क्या नेताओं की सक्रियता ज़मीन पर भी उतनी बरकरार है, क्या उनके वादे जमीन पर भी उतने उतरे हैं जितनी सक्रियता इनकी पोस्टरबाजी में दिखती है। यहाँ आप देख सकते हैं पहलवान छत्तर किसान चौक है, यहाँ मौजूद है, हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है इस गांव के। हम बातचीत करेंगे कि इन 5 साल के कार्यकाल में कितना तरक्की हुआ है इस गांव में। 2017 में यहाँ की जनता ने अनिल को अपना पार्षद चुना था, आम आदमी पार्टी से वो ताल्लुकात रखते हैं। हम जानेंगे कि इन 5 सालों में कितनी तरक्की हुई है आपके गाँव। नमस्कार, क्या नाम आपका? कपिल नाम है भैया। कपिल जी, हम देख रहे हैं ये सड़कें वगैरह खुदी हुई है, पानी वानी जमा है, ऐसे हाल रहते हैं या कैसे क्या है? ये पिछले 5 साल की तरक्की है हमारे गांव की, विकास आया है, मतलब आपके गांव में? हाँ जी हाँ, विकास है ये, हाँ अनिल जी ने विकास किया ये। अच्छा, हाँ अनिल जी और हमारे विधायक हैं धर्मपाल लागड़ा, उन्होंने विकास किया है, ये विकास ही है आपके सामने, विकास हमें दिख रहा है, नालियाँ भी लबालब भरी हुई है, विकास पूरा बहकर के सड़कों पर आ रहा है, लोगों के घरों में घुस रहा है, विकास जबरदस्ती घुस रहा है लग रहा है, जबरदस्ती घुस रहा है। और आज थोड़ा विकास कम ही है, ऐसे और ज़्यादा पानी रहता है, भरा रहता है 24 घंटे, बहुत बुरा हाल है गाँव का। कचरे की गाड़ी वगैरह आती है आपके गाँव में? कोई नहीं आती गाड़ी, कचरे की गाड़ी कोई गाड़ी नहीं आती, कचरा सब अपने आप डाल के आते हैं। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि हमारे हाथ में अगर एमसीडी की कमान दे दे, भाजपा 15 साल से है, तो आरोप लगा रही है कि अगर हम कमान ले लेकर एमसीडी की तो वारे न्यारे कर देंगे, या तो विधायक भी आम आदमी पार्टी के बैठे हैं, पार्षद भी आम आदमी पार्टी के बैठे हैं, अब तो फंड वंड की भी वो बानेबाजी नहीं है, फिर भी लग रहा है कि ये कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। आपको क्या लग रहा है कि ये बार बार दावे किए जा रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए, एमसीडी में केजरीवाल सरकार आ गई, तो कुछ बदलाव होगा, यहाँ तो बदलाव दिख नहीं रहा आपके वार्ड में तो? भाई बदलाव है ये, पहले कुछ था, अब 4-5 साल में कुछ और है, जो आज से 5 साल पहले बदलाव था वो काम नहीं आज, आज जैसे काफ़ी बदलाव हो रहा है, काम में भी हो रहा है, उसको कैसे ही समझ लो, ठीक है ना भाई, रोड तोड़ दिए, अब ये लाइन बिछाई पानी की, ये भाई पिछले 3-4 साल से पानी की लाइन दबने लग रही है गांव में, ये इनकी रिपेयर नहीं हुई, अब देखो भैया कब क्या होगा क्या नहीं होगा। बस शौचालय वगैरह बनवाए क्या यहाँ पे महिलाओं के लिए स्पेशली? नहीं नहीं भाई, हमारे यहाँ कोई शौचालय नहीं बना है, और कहीं बाहर बना हो तो हम कह नहीं सकते। लग रहा है ये इन 5 सालों में विधायक भी आपके तो आम आदमी पार्टी से है, पार्षद भी है, तो डिस्पेंसरी वगैरह मोहल्ला क्लिनिक उसकी कैसी व्यवस्था है? कुछ भी नहीं है जी यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, डिस्पेंसरी है वो पहले की, ऑलरेडी पहले की है, किसी ने कुछ नहीं किया। और ये गड्ढे वगैरह ये ऐसे ही है तमाम? इससे भी गहरे गहरे गड्ढे थे जी, बारिश में आ ही नहीं सकता, रिश्ते वाले नहीं जाते बैठे रिश्ता करने के लिए। शिकायत तो करी होगी आपने? शिकायत बहुत करी, कुछ नहीं है जी, कुछ भी कोई सुना सुनाई नहीं कर रहा है, हमारे गाँव में राजनीति चल रही है, इससे अलावा कुछ नहीं चल रहा है। राजनीति चल रही है आपके गाँव में, लेकिन राजनीति का कहीं ना कहीं मतलब ये होता है कि वो कुछ जनता का भला करे, यहाँ राजनीति ऐसी चल रही है कि यहाँ नालियाँ जो है वो लबालब भरी हुई है, पानी बाहर आ रहा है, बारिश में तो और भी खस्ताहाल हो जाता होगा, पूरा पानी रोड पे आ जाता होगा, रोड लाइट वगैरह लगवाई है आपके यहाँ पे स्पेशली? भैया जो लाइट पहले की लगी हुई थी वही लाइट लगी हुई है, कोई वो नहीं है, ठीक है, मतलब काम वाली कोई बात नहीं, जो जिस हिसाब से आदमी बनाए गए थे उस हिसाब से काम नहीं हुआ गाँव में। तो रोड लाइट सारी की सारी चालू है या बंद पड़ी है, खराब पड़ी है? ना, तकरीबन लाइटें चालू हैं,
नुकाने कोई सारे जो लाइट लगी हुई पोल पे वे सब चालू है फिलहाल। फिलहाल चालू है लेकिन कचरे की व्यवस्था नहीं है कुल मिला के यहाँ पर, और ये सड़कों का जो बुरा हाल है इसको लेकर के सुनवाई नहीं हो रही है। भाई सड़कों का तो ये तुम्हारे सामने है, बरसात में पानी भरा जाता है, कई कई दिन में पानी निकलता है गली का, ये मेन गली है, मगर इसका सुधार नहीं हुआ। गाँव में परली साइड गली है वो बना दी गई है, एक दूसरा रोड है उसकी उसको बनाने लग रहे हैं, मगर ये मेन गली होते हुए भी इस पर एक तसला किसी ने मलबा भी नहीं डाला है। ये मुंडका की बकरवारा की मेन गली है, दादा भैरव मंदिर मार्ग, इसी पे हमारे दादा भैरव मंदिर का निवास स्थान आगे मंदिर है, मगर आज तक इसी पे किसी ने एक ट्रॉली मलबा नहीं डाला गया है। हालांकि परला रोड बन गया जिसकी इतनी खास जरूरत नहीं थी, वहाँ काम चल रहा है फिर यहाँ की नहीं हुआ, तो आपने आवाज भी उठाई होगी भाई। आवाज क्या उठा हुआ है, आवाज उठाने से फायदा क्या है, हम तो डेली जाके जाते हैं, डेली बोल देते हैं चलो ठीक है हाँ भाई करवाएंगे, ना है नहीं आश्वासन। दोबारा अगर चुनाव जो निगम चुनाव है दोबारा नजदीक है, अभी अप्रैल माह में हो जाएंगे, दोबारा पार्षद आएंगे आपके पास वादे वगैरह करेंगे, कोई सोचा आपने कि इस बार या तो कोई लिखित दस्तावेज साइन करवा ली जाए उनसे कि भाई साहब ये वादे कर रहे हो तो आपको करने ही पड़ेंगे पूरे, वरना पार्टी पे आ जाएगी आज? नहीं भाई, सब मुकरते रह जाएंगे, मौजूदा जो पार्षद है वो आएगा, उसका स्वागत किया जाएगा, यहाँ पर जैसे पानी भरा रहता है वो आएंगे पैदल, तो उनको देखा था सही, उनको देखेंगे, बहिष्कार किया जाएगा उनका आपकी बार, तो यहीं से लेके आइएगा आप ये डायरेक्ट पैदल खुद ही, वो तो उनकी मर्जी है कहाँ से आएंगे, लेकिन आएंगे तो जरूर दिखाएंगे उनको। यहाँ से लेके आने की जरूरत नहीं किसी को, खुद यहीं से आएगा आदमी, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई से भी गाँव का हो, जो आएगा वो यहीं से आएगा, ये गांव का मेन रास्ता है, हमारा ग्राम देवता है, वहाँ पे मत्था टेकेंगे, जो भी यहाँ आएगा उसका आशीर्वाद लेने आएंगे, वोट टिकट मिलते ही पहले वहाँ आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद कुछ आगे प्रचार करते हैं। आपके इस वार्ड में पार्क वगैरह की व्यवस्था कर रखी है भैया? देखो सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, जो भी एक आध पार्क है वे गांव वालों ने मोहल्ले वालों ने अपने खुद के पैसों से बनवा रखे हैं, खुद की जेब से पैसा निकाल के, अपने खुद की जेब से पैसे बनवा लगा के और वे पार्कों की सुविधा कर रखी है, फिलहाल गवर्नमेंट सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है पार्क की। पार्षद ने कुछ काम नहीं किया पार्षद की तरफ से या विधायक की तरफ से कुछ पार्क के लिए फंड वगैरह? देखो ऐसा है, फंड की बात लगा लो, कोरोना लगा लो, चाहे पार्षद का काम लगा लो, MLA का काम लगा लो, हम किसी पर उंगली नहीं उठा रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं जो उनको अच्छा लगे वो उनने कर दिया, जो हमने अच्छा लग रहा है भाई हम वोट रहे उसको, वो तो भाई उनने भी पता उनने क्या काम किया है, अरे हमने भी पता है, और ये आपके सामने है, ये रोड रात टूटे पड़े हैं, अब ये कह रहे हैं भाई ये पाइप दब जाएंगे जब भाई इसको बनवाएंगे, अब देखो कब नंबर आता है इनका, चार साल तो अब तो पूरा कार्यकाल खत्म होने, पूरा कार्यकाल देख लो, रोड नहीं बने गाँव के, सिर्फ पूरे गाँव में से रोड तोड़े गए हैं, बनाए नहीं गए। 5 साल में कभी आए आपके बीच में? 5 साल तो अभी विधायक जी को नहीं हुए, 2 साल तो कोरोना काल में ही चले गए, टाइम ही विधायक जी को नहीं मिला, अब विधायक जी बनवाएंगे। और आपके पार्षद जी का क्या हाल है? पार्षद जी कुछ भी नहीं है जी, पार्षद भी आके ही नहीं देखता, पार्षद ये कहता है कि मैं करवा रहा हूँ, कूड़ा लेने आती थी पहले गाड़ी, ठीक है अब गाड़ी पहले बंद कर रखी थी, अब निगम पार्षद की इलेक्शन आ गए तो गाड़ी भी आने लगी है, वो भी कम कभी कभी, आखिरी वक्त पे साख बचाने के लिए आ रहे हैं, मतलब आप ऐसे दिखाने के लिए आ रहे हैं कि भाई कूड़े की गाड़ी आ रही है, नहीं तो कोई गाड़ी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, कोई झाड़ू नहीं लग रहा है। तो देखा आपने 5 सालों में जो वादे किए थे कहीं ना कहीं जनता के साथ में वादा खिलाफी हुई है, 5 साल बीत गए हैं, इन 5 सालों में आपको कोई लगा है कि कुछ ना कुछ तरक्की हुई हो इस वार्ड में? आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा करती है कि हम जिस वार्ड में हमारा पार्षद है, हमारे जो विधायक है, वहाँ हमने बहुत तरक्की करी है। भैया हमारे गांव में बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपके सामने है जो भाइयों ने बताया ये हकीकत है, इससे और हकीकत और क्या होगा, जो गांव की अंदर स्विमिंग पूल बना रखे हैं रोड पे, दोनों गांव के अंदर दोनों एक ही पार्टी के नेता है, लेकिन अब धीरे धीरे बोल रहे हैं कि काम करेंगे चुनाव के टाइम में करेंगे या बाद में करेंगे, वो तो उनकी मर्जी है, जनता उनसे कोई ये नहीं कह सकती है कि करो, लेकिन जनता कह सकती है कि करो, वो तो करना ही पड़ेगा ना, हर बार कहते हैं करेंगे लेकिन करेंगे तब की बात है। तो इस बार लग रहा है कि आम आदमी पार्टी विधायक भी बैठे पार्षद बैठे है, ये इतना बड़ा वादा खिलाफी हुआ है तो असर तो पड़ेगा आपकी जो चुनाव आ रहे इसमें कहीं ना कहीं। भाई हम तो देखो एक बात कह रहे हैं, जैसे ये पानी भरा है ना, ये पानी भरा नहीं है, ये हमने खुद भरा है, ये खुद न्यू भरा है भाई, यहाँ से मेन रास्ता है, ठीक है,
ये भी यार धूल मिट्टी उड़े जाए यार, पब्लिक कोई ना कहा कोई रिश्तेदारी में आवे धूल मिट्टी में हो जाएगा वो, ठीक है। तो अपना फ्रेश जाओ, फ्रेश आओ, धूल मिट्टी ना उड़े, ठीक है ना। मुंह वगैरह धो के यहीं से जाओ फिर। हाँ मुंह तो भाई क्या दिल करे, धो ना मत धो, मगर मेन बात ये भाई हमने तो धूल मिट्टी ना पसंद भाई, धूल मिट्टी ना उड़ती भाई। दो तीन दिन हो गए देखो गिर गए, हमारे जैसे जब गिर जाते हैं, ये देखो ये रोड पे, ये यहाँ छाती पे भी लगी हुई है, ये हाथ में दर्द है, और देखो ये सूजन है, दिख रहा है। डिस्पेंसरी कहाँ है यहाँ गांव में? नहीं है गांव में, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, लेकिन करेंगे तो करेंगे। इस बार बदलाव करोगे क्या आप? ये क्या है, आम आदमी पार्टी के तो हो गए दोनों विधायक पार्षद भी हो गए, कुछ नहीं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। नहीं रखेंगे इन्हीं को, बदलाव नहीं करेंगे, इन्हीं को रखेंगे। अब तो रोटेशन हो गया, पार्षद तो दोबारा करनी है। अरे हमारे सेवादार है, एक जनता के सेवादार है, हम इन्हीं को रखना चाहते हैं, कोशिश करेंगे यही रहे। लेकिन राजनीति है, इसने तो अपनों को पराया कर दिया ना। नहीं कभी तो सोचेंगे भैया, हम तो डाल पड़ रहे हैं, हमने कोई हमने इनसे कोई शिकायत नहीं है, हमारे गांव के ठीक है भाई, जो उनकी समझ ये कर रहे हैं, जो मारी हम कर रहे हैं, तो सबका दिमाग एक सा नहीं होता, ठीक है ना। अपर आदमी बहुत नरम है, ये बात करें नरम है, चाहे भाई वो नरम पड़ने की वजह से ला लो किसी भाई फंड मान लें, नरम पड़ने की वजह से नहीं मिल रहा। नहीं नहीं फंड तो विधायक भी बैठ गए, अब तो क्या ही नरम पड़ेंगे भैया। ऐसा ना देखो, विधायक हमारा विधायक बहुत ज्यादा नरम हो रहे हैं, हाँ विधायक विधायक को तो हमारे साथ सोतेलापन कर रहे हैं। विधायक जी को तो देखो ऐसा, ये पहला चांस है उसका, ठीक है। अब ये लॉकडाउन लग गए, दो बजे तो लॉकडाउन लग गए थे, देखो हम उनका भी दोष नहीं टेक रहे भाई, धीरे धीरे काम हो जाएंगे, ठीक है। और हम तो ये कभी इनको देखो काम करना चाहिए, ठीक है ना, मेन रास्ता है। और यहाँ यहाँ नहीं, जहाँ भी हो जहाँ इनको ठीक है, पर जान इनको चुन रखा है तो इनको न्यूज होना भाई, ठीक है भाई काम करो, ठीक है। ये गांव का आदमी काम नहीं करेगा तो बाहर का क्यों करेगा? बिल्कुल, अगर आप यहाँ जो है समस्या देखी है, आपने यहाँ जिए उसके बाद भी अगर काम नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बाहर के जो लोग आएंगे उन्हें आदत हो जाएगी ये काम नहीं करने की। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, काम करेंगे ये, धीरे धीरे सारा काम करेंगे, और कौन करेगा, सारा काम करना पड़ेगा इनको, करेंगे धीरे धीरे, एकदम तो सारे को होगा नहीं, अब भैया एकदम सारे को होगा, धीरे 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 सारे को हो जाएगा काम। कितना धीरे, पर 5 साल तो बीत गई, आप कह रहे एकदम एकदम नहीं होगा, पर 5 साल तो खत्म हो रही है। जितना बुरा हाल बद हाल गाँव मुंड का है, इससे बुरा दिल्ली में कहीं नहीं होगा। तो ये आपके जो पार्षद है अनिल, इनके लिए मतलब क्या है, ये खुशी की बात होगी या क्या होगा, आप इन्हें सम्मानित करेंगे फिर? तो ये सम्मानित करने योग्य है, लेकिन हमारे यहाँ ये काम करे तब सम्मानित हो ना। अभी जो जो ये आपने दिखाया है, हमने आपको बतलाया है, ये भाइयों ने बताया है, तो आप इस गांव का सर्वे करिए, चारों तरफ से बुरा हाल है। तो यही हाल है आपके गांव के, देखा आपने, जनता कह रही है कि 5 साल का कार्यकाल अब खत्म होने वाला है, लेकिन नालियों की जो बदहाली है 5 साल से ऐसे ही है, सड़कों पे जो पानी जमा है, वो जो नए लोग जब इस गांव में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनको देखने को मिलता है ये नज़ारा, कि इसी गांव से यहां के लोगों से जो जुड़े हुए पार्षद है, जब वही जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, जन सेवक का जो तमगा पहन करके घूमते हैं, आज वादा खिलाफी कर रहे हैं। तमाम जो वादे थे चुनाव के वक्त, जो जो जनता से वादे किए गए थे, उनकी हकीकत, ज़मीनी हकीकत ये है, यहाँ की जनता त्रस्त है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक विश्वास जो है वो जता रही है कि बदलाव होगा, कुछ नया होगा। कार्यकाल अभी खत्म होने वाला है, ये देखिए खुली नालियाँ हैं जिनमें कीचड़ बहुत जमा है, यहाँ बाहर भी आप देख सकते हैं यही हालात बने हुए हैं। हम आपको लगातार दिल्ली के हर वार्ड हर क्षेत्र की जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए विकास जो है वो जमीन पर उतरा है, तरक्की इतनी हो रही है इस गांव में कि देख करके यहाँ के जो पार्षद है अनिल, उनकी तो आंखों से आंसू निकल आते होंगे। ये वो जमीनी हकीकत है जो इस 5 साल के कार्यकाल में देखने को मिलती है। दिल्ली की जमीनी हकीकत ये है, दिल्ली वाले मजबूर है ऐसी जगह पर रहने के लिए। आप देखिए निगम चुनाव जो है, मैं फिर कहता हूँ कि निगम चुनाव यानी कि दिल्ली की जनता के घर के बाहर के चुनाव, जहाँ से दिल्ली की जनता अपने घर का दरवाज़ा खोलती है वहीं से निगम चुनाव की राजनीति शुरू होती है। और ये दरवाज़ा है, ये आपकी गली है, ये कब से हाल है गली में? हम तो रो रहे हैं सच्ची, काम धंधा रहा कोई नहीं है, बस वो कुछ कोरोना में कुछ कैसे और कुछ पेंशन ना बनाते है, उम्र हो रही है ना, उम्र बढ़ाते ना, बस अपने हाथ पड़ने कुछ हो तो बंदा दुख सुख में पैसा बढ़ते आ जा। तो ये गली में ये कब से है ये गंदगी वगैरह? गंदगी इनकी गली है, साफ करने नहीं आता यहाँ कोई है? गाड़ी आती, सफाई की गाड़ी आती है? गाड़ी कोई नहीं आती, सफाई की गाड़ी वगैरह नहीं आती है। तो यहाँ जो ये हालत है ये कब से बने हुए? अरे तो भाई महीना सारा हो गया, महीना हो गया।
साफ सफाई के लिए कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। पार्षद वगैरह आप कभी आते हैं यहाँ पे विधायक? आता देखने को ये भी। केजरीवाल तो कह रहा है कि हमने बहुत बढ़िया काम, नहीं नहीं कर रखा, कुछ नहीं करता, नहीं ये गली बनाते, नहीं ये नाली बनाते, अड़ंगा देख लो कितना नालियां। तो आप देख सकते हैं ये कह रहे कि गलियों के ये हालात बने हुए हैं, जनता को झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, जमीन पर हकीकत नहीं, जो वादे हैं उनकी हकीकत दिखाई नहीं देती है। मैं तो कह रही हूँ हम रो के गुजारा करें, हालात हमारे बहुत बुरी हो रही है, भूखे मर रहे हैं हम, भी बता दे तेरे पीछे ना देखते हुए, भूखे मर रहे हैं। केजरीवाल वाला मोहल्ला क्लिनिक ना मेडिकल? हाँ मेडिकल नहीं है, डिस्पेंसरी है बस, डिस्पेंसरी है। सारी दवाई मिलती है वहाँ पे? दवाइयाँ की मेरे मुझे कोई जरूरत नहीं है, अब खाने में यहाँ दिक्कत हो रही है। तो खाने को कैसे दिक्कत हो रही है? हो रही है काम धंधा, सरकार की तरफ से अच्छा कोई काम धंधा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। रोजगार वगैरह नहीं मिला ना? तो कुछ ना, राशन वगैरह वो तो मिल रहा होगा? बढ़िया बढ़िया, महंगाई कर दी, महंगाई कर दी है, और ये गलियों का हाल भी ऐसा का ऐसा ही रहता है, परेशान तो बहुत होंगे आप? मैं भाई सब परेशान है। शिकायत करी कभी कि हाँ ये बहुत शिकायत कर ली? बहुत कर ली। तो देखा आपने ये त्रस्त जनता है, जनता लगातार दुखी है, परेशान है, ये समस्या है। अभी देखिए सड़कें जो है कहीं ना कहीं खुदी हुई है, यहाँ आना जाना कितना मुश्किल होगा, ये जो नालियों की व्यवस्था है। कोरोना की बार बार बात की जाती है कि कोरोना का टाइम है, ध्यान रखना चाहिए, ये तमाम सुविधा करनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में जिस प्रकार से गंदगी पसरी हुई है, डेंगू की बीमारी होने का भी खतरा रहता है। डेंगू अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है और वो फैलती है इसी प्रकार की गंदगी से, और ये हकीकत है दिल्ली की उन गलियों की जिनके लिए बात की जाती है कि हम लंदन से सड़कें बना लेंगे, हम कायाकल्प कर लेंगे, ये जमीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि एक गली की बात थी और अब ये गली गली चली गई है कि हर गली का हाल जो है हाल नहीं बेहाल ही नजर आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटी छोटी नालियाँ है, नालियों में गंदगी पसरी रहती है, रोड के हाल है वो भी खस्ता हाल है, इस तरीके की जो मुसीबतें हैं यहाँ लोगों को रहना पड़ता है, गुजारा करना पड़ता है। क्या व्यवस्था कोई है एमसीडी में आपके लिए? कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कोई सफाई वाला भी ना आता, अगर कोई नालिया का कूड़ा सड़ा लाग रहा है ना, पानी की ना क्या है कि भी कोई ना, तो कचरे की गाड़ी नहीं आ रही है? नहीं कोई नहीं आ रही, हम तो उड़ा गैर काम ना की तकड़ी ना की तक कुछ भी ना, उड़ा गैर काम जाकर एक जगह एक वो बना रखा कूड़ा गेर का। और ये महिलाओं के लिए शौचालय वगैरह की व्यवस्था है यहाँ पे? नहीं क्या है कि भी नहीं दिया था। तो देखिए ना महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था कर रखी है, ना कचरे की गाड़ी जो है वो नियमित रूप से इस वार्ड में आती है कचरा उठाती है, इतनी बड़ी समस्या है, बावजूद इसके दोनों ही जो है पार्षद और विधायक इस वार्ड के वो आम आदमी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन जमीन पर काम नहीं उतरा है। ये लगे हुए यहीं से, यहाँ सीवर से अंदर दबा के ले के गए हुए पाइपलाइन को वहाँ दादा भैरू के पास, वो यहीं से पानी भरते हैं, ये देख कितना गंद है यहाँ, और यहाँ पे हमने अपने पैसों से चंदा इकट्ठा करके अपने पैसों से ये यहाँ तक यहाँ पानी भर जाता है, अपने पैसों से ये बनाया है, नहीं तो यहाँ कई बार हमने बोला भी कि इसको बना दो, लेकिन ये अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। लिखित में लिख के दिया था आपने, शिकायत करी होगी? हाँ हाँ नहीं लिखित में भी दिया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और ना ही यहाँ पर अभी तक सार्वजनिक कनेक्शन दिया गया है न्यू लाइन से, जबकि सभी अन्य चौपालों में धार्मिक स्थलों में दिए जाते हैं, क्योंकि पहले हमारे यहाँ जो जल बोर्ड की लाइन दबी थी तो ये चौपाल में एक कनेक्शन दिया गया था, तो कनेक्शन कोई भी नहीं है अभी तक, ये पुरानी लाइन से ही भरा जा रहा है नया कनेक्शन, वह बार बार कभी किसी का लेटर मांगते हैं, कभी किसी का लेटर मांगते हैं, ये प्रताड़ित किया जा रहा है गरीबों, टालम टोल हो रहा है आपको, इधर उधर भगा रहे हैं बस, यही है। और ये आगे देखिए देख कितनी घास अटंगा जमा हुआ है, वो दूर तक ऐसे ही बुरा हाल है, बच्चे छोटे छोटे गिरते हैं। तो देखा आपने जनता की कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो उनकी गलियों के अंदर के मसले हैं, घर के बाहर पानी के कनेक्शन को लेकर के मसले हैं, जल बोर्ड द्वारा भी उनकी जो शिकायत की जा रही है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर त्रिकोणीय श्रृंखला बना करके सत्ता में हो गई, विधायक के तौर पर हो गई और इस वार्ड में भी हो गई, सत्ता पर बैठी हुई है, लेकिन फिर भी ये जो छोटी छोटी समस्या है निगम चुनाव, जो इन छोटी छोटी समस्याओं से इनकी राजनीति बनती है, लेकिन जमीन पर कोई काम देखने को नहीं मिलता।